गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल से। हाँ जी गाइस, तो गाइस इसके लिए सिंपली आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है अपने पिक्सल लैब पे। अगर आपके पास पिक्सल लैब अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप इजीली जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो बिना किसी स्किप के आप देखते रहना। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आप लोग आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कस्टम पे क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है गाइस, यहाँ से आप लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ से कलर चूज़ कर लेना है अपने बैनर के लिए। तो मैं यही कलर रहने देता हूँ, ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे तो मैं यही कलर रहने देता हूँ। बाकी आप लोग अपने चॉइस के अनुसार आप लोग कलर ले सकते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग इसमें से ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, मिक्स कलर जो होते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप लोग अगर बैनर बना रहे हैं तो आप लोग सिंगल कलर लें, वो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। तो गाइस इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और क्रोम ब्राउज़र से आप लोगों को एक पिक्चर डाउनलोड करनी है जो कि मैं आप लोगों को बता दूं। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आप लोगों को एक पिक्चर डाउनलोड करनी है जिसका नाम है यूट्यूब बैनर PNG, यूट्यूब बैनर PNG। ठीक है गाइस, आप लोगों को ये इमेज आप लोगों को एक डाउनलोड कर लेनी है। तो आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आप लोगों को बस दिखाऊंगा कि ये देखिए गाइस, हम लोग अपने पिक्सल लैब में वापस आ चुके हैं। यहाँ से मैं अपनी जो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और मैं अपनी उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। इम्पोर्ट के लिए आप लोगों को यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को सिंपली क्लिक करने के बाद आप लोगों की फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप लोगों ने जहाँ पे भी उसे डाउनलोड कर रखा है आप लोग वहाँ से इसे अपने इमेज में डाल सकते हो गाइस। तो सिंपली हम लोग फोटोज़ में जाके उस इमेज को उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी इमेज है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे जो पेज है उस पर आ चुका है। तो ये आने के बाद अब हम इसको सिंपली लॉक कर देंगे गाइस। आप लोग अगर लॉक नहीं करोगे तो यहाँ से वहाँ ये रिमूव करेगा जिससे आप लोगों को परेशानी होगी। तो आप लोग इसे सिंपली लॉक कर लें। लॉक करने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अब आप लोगों को अपना इसमें लोगो लगाना है जो कि आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पोर्ट करते हैं लोगो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इसमें अच्छा डिज़ाइन कोई क्रिएट करना है तो आप लोगों को यहाँ से सेव पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली गाइस इसको थोड़ा सा रोटेट करके हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम बिल्कुल कॉर्नर में इसके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से पेस्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करके नीचे ला देंगे। नीचे लाने के बाद आप लोग देखेंगे ये अलग अलग कलर हमारे सामने आ चुका है। तो गाइस हम इसे वाइट वाले को भी इसी कलर में कर देंगे। तो हम सीधा जाएंगे सिंपली इस पर कलर्स में और इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम लोग इसको आगे करेंगे और इसको यही कलर चूज़ करके ओके कर देंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हमें यह पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पता करने के लिए बीच में लाइनिंग आनी चाहिए जिससे हमारा थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमें शैडो का इस्तेमाल करना है और इसे ओपन कर देना है और ब्लैक कलर चूज़ करके हमें इसकी शैडो बढ़ा देनी है। ठीक है गाइस, ये देखिए आप लोगों के सामने कितना बेहतरीन लग रहा है। तो आप लोगों को अब सिंपली क्या करना है, आप लोगों को अपनी इमेज इसमें इम्पोर्ट करनी है। तो गाइस सिंपली आप लोग अपनी इमेज पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लें कि कौन सी आप लोगों को इमेज लगानी है। तो गाइस मैं सिंपली ले लेता हूँ यहाँ से अपनी इमेज जो मुझे लगानी है यहाँ पे।
तो गाइस ये इमेज मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये इमेज मैं चूज़ कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये कुछ इस तरीके की इमेज है। तो गाइस इसको मैं स्मॉल कर दूंगा, स्मॉल करके आप लोगों को इस बॉक्स के अंदर ही बस इस इमेज को रखना है, इसके बाहर हमारा कोई काम नहीं है। ये वेस्ट है सब कुछ, बस हमें इस बॉक्स की ज़रूरत है जो कि आपको दिख रहा है। इसके बाद ये करने के बाद आप लोगों को सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट ले लेना है। टेक्स्ट लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है अपने चैनल का नाम, तो मैं लिख लेता हूँ हावर और ओके कर देना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोग गाइस इसका थोड़ा सा आप लोग फॉन्ट बदलेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसका फॉन्ट बदल लेता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप इसका फॉन्ट बदलें डैनियल ब्लैक में, ये आपको काफ़ी अच्छा लुक देगा, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं डैनियल ब्लैक, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं सिंपली, ठीक है गाइस। अब यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने चैनल का पूरा नाम यहाँ पे लिखिए, ठीक है गाइस, थावर टेक, ठीक है गाइस। अब सिंपली इसको ओके करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा देखने में, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो हम अब इसको थोड़ा सा स्ट्रोक कर देते हैं शैडो के साथ, तो हम इसको थोड़ी सी शैडो दे देते हैं ब्लैक कलर की, जिससे कि थोड़ा सा ये हमें अट्रैक्टिव लगेगा देखने में, लुक अच्छी आएगी इसकी, ठीक है गाइस। ओके, आप लोगों को इतना हो चुका है, इसमें हम शैडो देंगे तो शैडो में इतना ये हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसे सिंपली ऐसे रहने देते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके गाइस अब इसमें थोड़ा सा हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉलो मी, ठीक है गाइस, फॉलो मी कर दिया हमने। फॉलो मी करने के बाद अब सिंपली इसको हम यहाँ पे नीचे लगा देते हैं फॉलो मी, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया फॉलो मी। फॉलो मी के आगे अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी है आपका ट्विटर, उसका आप लोग अकाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो गाइस मैंने सिंपली क्या कर रखा है, मैंने उनको PNG में पहले से ही कन्वर्ट कर रखा है। वो इमेज आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे मिल जाएगी, आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग वहाँ से सिंपली ले सकते हैं। तो मैं अपनी फ़ोटोज़ में आके सिंपली आप मैं उस पिक्चर को अपलोड कर दूँगा, उस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो गाइस ये देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके का आइकन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो गाइस इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर देते हैं और इसको ओके करके हम लेके आ जाते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे आने के बाद इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद अब इसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग पेस्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। जहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करना है आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गाइस हो गया ये पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट होने के बाद अब आप लोग इसका भी कलर चेंज कर लेंगे, जिससे कि ये देखने में हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हम इसको सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे साइड में आते हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इरेज कलर, तो इस पर हम सिंपली क्लिक करके इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आप लोगों को देखेंगे कि ये कलर इसी तरीके का हो चुका और ये ब्लैक हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है गाइस। और इसको हम फिर ओके कर लेते हैं। ओके करके इन सब चीज़ों को हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आप लोगों को ये जो लाइनिंग है जो आपने बॉक्स लिया था, चूज़ किया था, इसको आपको डिलीट कर देना है सिंपली। सिंपली आप डिलीट करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का ये पेज दिखाई देगा। आप लोगों को इसको सिंपली इस इमेज को आप लोगों को सीधा यहाँ से सेव कर लेनी है। सेव भी आप लोग किस में करेंगे, आप लोग अल्ट्रा में इसे सेव करेंगे। अल्ट्रा में इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, जिसके कारण ये आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हम इसे सेव कर लेते हैं गैलरी में। तो ये हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है इमेज। तो आप लोगों को मैं सिंपली अपनी गैलरी में आके इसे दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे सेव हुई है और ये कैसा लग रहा है। तो गाइस ये देखिए हमारी गैलरी में अभी सेव हुई है, ये कुछ इस तरीके का आइकन है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।